दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में मौसम का करवट बदला हुआ है और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। 13 तारीख तक के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में दिन भर तेज धूप के बाद एक बार फिर से तेज हवाओं के साथ मौसम ने करवट ली। मौसम विज्ञान विभाग ने बिलासपुर सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके चलते कोरेलापंडा मरवाही कबीरधाम खैरा खदान गंडई मुंगेली राजनांदगांव में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसके पहले मौसम विज्ञान विभाग ने 13 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं रायपुर समेत आसपास के जिलों में बीती सुबह तेज बारिश के साथ ही कई जगहों पर ओले गिरे, रात को बूंदाबांदी भी हुई है। और वहीं रायपुर बिलासपुर दुर्ग सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। बारिश के चलते प्रदेश में दिन भर का तापमान सामान्य से कम डिग्री जो है रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान बलरामपुर में 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल में बेमौसम बारिश का होना कोई हैरानी की बात नहीं है। उत्तर भारत से गुजरने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण आमतौर पर महीने में 1-2 बार बारिश की स्थिति बनती ही है। वहीं अगर प्रदेश में बारिश की स्थितियों की बात करें तो लाभांडी में 23, एयरपोर्ट में माना एयरपोर्ट में 22 और बलौदाबाजार में 17, छुरा में 22 मिलीमीटर, जबकि गरियाबंद में साथ ही राजनांदगांव में राजीव में 15 मिलीमीटर, गुंडरदेही में 20, डोंडी में 16, जबकि बेरला में 18, मानपुर में 14 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब नक्सल क्षेत्र में राजनाथ सिंह जो है आने जा रहे हैं, जहां 13 अप्रैल को जनसभा का आयोजन जो है किया जाएगा दंतेवाड़ा में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री के बाद अब बस्तर ब्लॉक के छोटे आमाबाल गांव में बड़ी चुनावी जनसभा जो है प्रधानमंत्री ने संबोधित करके भाजपाइयों में जोश भर दिया है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की सभा के बाद अब अपने अन्य स्टार प्रचारकों को जल्द ही चुनावी अखाड़े में भाजपा उतारने जा रही है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र को भाजपा 3 हिस्सों में बांट चुकी है, जहां दक्षिण मध्य और उत्तर क्षेत्र है। दक्षिण क्षेत्र में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, मध्य में बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर, उत्तर क्षेत्र में कोंडागांव और नारायणपुर 2 विधानसभाओं को रखा गया है। दक्षिण का इलाका ज्यादा नक्सल प्रभावित है, जहां भाजपा प्रचार के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उतारने की तैयारी में है। 13 अप्रैल को दंतेवाड़ा में राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे और नक्सल क्षेत्र में राजनाथ सिंह गरजेंगे और इसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यक्रम होगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 10 मई तक संभावित है। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट 10 मई तक जारी कर दिए जाएंगे और इसको लेकर बोर्ड परीक्षा तैयारियों में लगा हुआ है। इसके पहले रिजल्ट से पहले स्टूडेंट्स और उनके परिजनों को तनाव से दूर करने के लिए बोर्ड काउंसलर की मदद लेने जा रहा है। रिजल्ट जारी होने के ठीक एक हफ्ते पहले बोर्ड की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जाएगी, जिसमें काउंसलर स्टूडेंट्स की समस्याओं को सुनेंगे। काउंसलर से परिजन बातचीत भी कर सकते हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जाती है। हेल्पलाइन नंबर पर छात्र बोर्ड परीक्षा और उससे संबंधित समस्याओं पर बातचीत करते हैं। विषय से विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और दूसरे अधिकारी छात्रों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें मार्गदर्शन भी प्रोवाइड कराते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में कश्मीर की धारा 370 की एंट्री हो रही है। दरअसल हर बूथ पर 370 से अधिक वोट लाने का लक्ष्य जो है डिप्टी सीएम के द्वारा रखा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी कमर कस ली है। प्रदेश के सभी 11 सीटों पर माइक्रो बूथ लेवल से लेकर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में अब कश्मीर की धारा 370 की एंट्री हो चुकी है। बूथ मजबूत करने के लिए बीजेपी का एक नया फॉर्मूला 370 होगा और अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को सभी मतदान केंद्रों में 370 वोट बढ़त लेने का टास्क गया है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि बीजेपी से पहले जनसंघ बनी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ प्रथम अध्यक्ष बने थे और उन्होंने कश्मीर में धारा 370 का विरोध किया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सत्य श्रद्धांजलि देने के लिए धारा 370 समाप्त होने पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है सभी मतदान केंद्रों में 370 वोट बढ़त पार्टी को दिलाया जाएगा।
12 अप्रैल को सीएम विश्वदेव साय जनसभा का आयोजन जो है जगदलपुर में करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम बस्तर लोकसभा सीट में हो रहे चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में जरा सा भी कसर जो है नहीं छोड़ना चाहती। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की बीते दिन जो है एक ग्रामीण सभा छोटे आमाबाल में जनसभा आयोजित हुई सोमवार को, जिसके बाद से अब प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वदेव साय कल जो है संभाग मुख्यालय जगदलपुर में रोड शो आयोजित करेंगे, जिसके लेकर तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है। भाजपा जिला कार्यालय में बीते दिन जानकारी दी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने मुख्यमंत्री साय के प्रस्तावित होने वाले रोड शो की कार्य योजना व तमाम तैयारियों के संबंध में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने प्रधानमंत्री मोदी और बस्तर अंचल में सफलतम जनसभा की कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम व एकजुट प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी की सभा ऐतिहासिक रही है। हिंदू नववर्ष पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कोरबा की धरती पर भगवान शिव और श्री राम उतर पड़े। 2 किलोमीटर तक भक्तों का तांता लगा रहा और पूरी तरह रोड जाम रहा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हिंदू नववर्ष के अवसर पर शहर के कोसाबाड़ी हनुमान मंदिर और सीतामढ़ी चौक से लेकर के राम जानकी मंदिर से यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में 1.5 से 2 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। ढलती शाम के बीच सजावट की रोशनी में झांकियों को देखने के लिए पूरा शहर जो है सड़क पर उतरा था। कोसाबाड़ी से घंटा घर बुधवारी सीएसईबी होते हुए टीपी नगर मार्ग से चलकर टैगोर नगर उद्यान में ये झांकी समाप्त हुई। दूसरी शोभा यात्रा राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी से शुरुआत की गई, जिसमें दक्षिण भारत की तितली नृत्य, काली का रद्र रूप, वाराणसी के शिव घोरी दल और राम दरबार की झलक जो है देखने को मिली। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की अगुवाई में लोगों को जाम से बचाने और यातायात को सामान्य बनाए रखने के लिए सबसे पहले से ही अलग रूट निर्धारित कर दिया गया था। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 400 जवानों की तैनाती कोसाबाड़ी से लेकर सीतामढ़ी के मध्य कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष मंच पर जो है एक धूम मची हुई है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति झिंगियानी ने रंग जमाया हुआ है। चटरी चंद्र कार्यक्रम में सीएम साय मंत्री ब्रजमोहन भी सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत ने चटरी चंद्र के अवसर पर जय स्तंभ चौक में भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति झिंगियानी शामिल हुई है। इस दौरान अभिनेत्री प्रीति झिंगियानी ने रंग जमा दिया। कार्यक्रम में साय ने कहा कि सिंधी समाज एक ऐसा समाज है जिसने संघर्ष करते हुए अपनी पहचान और अपना मुकाम पाया है। आज पूरे हिंदुस्तान में व्यापारी समाज के रूप में सिंधी समाज की देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में संत युधिष्ठिर लाल, मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, साथ ही सांसद सुनील सोनी, भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी भी उपस्थित रहे और इन सभी अतिथियों ने उद्बोधन में समाजजनों को चैत्री चंद्र की हार्दिक बधाइयां सौंपी। खबर कोरबा से, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, सब के पूरी तरह चीथड़े उड़ गए। छत्तीसगढ़ में हाईवा ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिसकी वजह से गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम लगा दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जहां हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हादसे के बाद चालक हाईवा छोड़कर मौके से भाग निकला। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। हादसा बालको थाना क्षेत्र के ग्राम रुमगड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक सवार 3 युवक बालको क्षेत्र के रहने वाले थे। वे किसी काम से दर्री की ओर जा रहे थे और इसी दौरान सामने से आ रहे हाईवा ने उनकी जो है भिड़ंत हो गई। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर जा गिरे और हाईवा ने उन्हें कुचल दिया। साथ ही हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक युवक के शव के जो है चीथड़े उड़ गए। वहीं पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी सड़क पर लोगों का हंगामा जारी रहा। कवासी लखमा ने कहा कि जीतेगा नरेंद्र मोदी, मरेगा। वहीं बीजापुर में कांग्रेस प्रत्याशी का विवादित बयान एक बार फिर से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत के बाद अब बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे ग्रामीण को क्षेत्रीय बोली गोंडी में कहते दिख रहे हैं कि कवासी लखमा जीतोड़, नरेंद्र मोदी ढोलतोड़, यानी कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा, खेल खत्म, राम राम। वीडियो 2 दिन पुराना बताया
बताया जा रहा है। वहीं कवासी चुनाव प्रचार के लिए बीजापुर जिले के कुटरू गए हुए थे। दिन भर प्रचार के बाद जब वे शाम को जिला मुख्यालय लौट रहे थे तो इसी बीच नैमेड गाँव में उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए चौपाल लगाई थी और बयान को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ का राहुल गांधी उन्हें करार दिया। बीए की परीक्षा की तारीखों में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। 18 मई को पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा होगी जबकि होम साइंस फर्स्ट और ड्राइंग एंड पेंटिंग की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। धमतरी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। वर्तमान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते यहाँ पर परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ है। एक बार फिर से बीए क्लासिक भाग एक और परीक्षा में आंशिक संशोधन किया गया है। साथ ही बात करें तो धमतरी जिले में यूनिवर्सिटी से संबद्ध तकरीबन 10 कॉलेज हैं, यानी पूरे जो संबद्ध कॉलेज है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के, तो उन तमाम जो यहां पर कॉलेजेस हैं जो संबद्ध है, उन तमाम जो कॉलेज हैं वहां पर परीक्षा में टाइम टेबल में संशोधन हो रहा है। वहीं इसके लिए जारी अधिसूचना में बीए क्लासिक्स भाग एक के 10 मई को आयोजित होने वाली राजनीति विज्ञान प्रथम और गृह विज्ञान प्रथम ड्राइंग एंड पेंटिंग की परीक्षा का आयोजन 18 मई को आयोजित होने जा रहा है जबकि 10 मई की परीक्षा में यहां संशोधन किया जा चुका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 12 ट्रेनों को एक बार फिर रद्द किया है। नवरात्रि और ईद के मौके पर अगर आप अपने परिवार या रिश्तेदारों के साथ घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 12 ट्रेनें बुधवार से अलग अलग दिनों में ये दो दिन यानी 10 और 12 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। दरअसल बिलासपुर मंडल के रायगढ़ किरोड़ीमल नगर स्टेशन के बीच चौथी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा और साथ ही रायपुर रेल मंडल के सिलियारी मांडर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर गर्डर लॉन्चिंग का काम और तीसरी लाइन विद्युतीकरण के चलते ये ट्रेन प्रभावित रहने वाली है। बलौदाबाजार के जंगल में बाघ की मौजूदगी इन दिनों दिखाई दे रही है। बारनवापारा अभ्यारण्य के आसपास 7 गांवों में धारा 144 लागू हो चुकी है। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और लाउड स्पीकर पर पूरी तरह प्रतिबंध है। बलौदाबाजार जिले के जंगल में बाघ की मौजूदगी को लेकर बारनवापारा अभ्यारण्य के आसपास 7 गांवों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिया है। 7 गांवों में आवाजाही प्रतिबंधित करने के साथ ही लाउड स्पीकर पर भी रोक लगा दी गई है। वन विभाग बलौदाबाजार ने रिपोर्ट पेश की है कि 7 मार्च 2024 को सिरपुर क्षेत्र में एक बाघ देखा गया था और बाघ महासमुंद और बलौदाबाजार जिले में घूम रहा है। वर्तमान में बलौदाबाजार के वन विकास निगम क्षेत्र में बाघ इन 7 गांवों रवान, मोहदा, कोहा बहारा, इसके अलावा मुरुमडीह, छता डबरा, साथ ही गजराडीह, साथ ही दलदली में ये जो बाघ है विचरण कर रहा है जिसको लेकर धारा 144 लागू है। कवासी लखमा पर भाजपा FIR कराएगी। जिलाध्यक्ष रूप सिंह ने कहा कि ये झीरा मामले के संदिग्ध आरोपी हैं। नक्सलियों से कनेक्शन की बात इन्होंने कही जबकि बैज ने तो जांच करवाओ ये बात भी कह दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का पर भाजपा जो है जल्द ही एक FIR दर्ज करवाएगी। जगदलपुर जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि कवासी लखमा और कांग्रेस प्रत्याशी की मंशा साफ हो चुकी है, ये प्रधानमंत्री को मरवाना चाहते हैं। ये झीरा मामले के संदिग्ध भी हैं, जिस तरह इनके बयान आ रहे हैं संभवतः नक्सलियों के साथ भी इनका कनेक्शन है। दरअसल कवासी लखमा ने चुनाव प्रचार के दौरान गोंडी बोली में कहा था कि कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। इसी के साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से कहा था कि पुलिस जवानों को तीर धनुष से मार भगाया जाए। कवासी लखमा के इन दो बयानों के बाद से बस्तर में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी मामले को लेकर भाजपा ने जगदलपुर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की थी। छत्तीसगढ़ में मारपीट का वीडियो वायरल होने के 6 दिन बाद अब केस दर्ज हो रहा है। बिलासपुर के रिवर व्यू में जम करके मारपीट की गई थी और बाल पकड़ करके एक दूसरे को घसीटा गया था। दरअसल अब बात करें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिवर व्यू में लड़कियों के दो ग्रुप के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के 6 दिन बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के एक ग्रुप ने शिकायत की थी, दरअसल सड़क पर घसीटते और पीटते वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीच बचाव करने वाली लड़कियों ने लूटपाट का आरोप लगाया है। ये वीडियो 5 अप्रैल का बताया जा रहा है। लड़कियां कभी लात घूंसे मार रही हैं तो कभी कपड़े फाड़कर और बाल पकड़कर पीट रही हैं। उनके परिचित युवक भी बीच बचाव करते दिख रहे हैं जिसके बाद लड़कियां पिटाई कर रही हैं। पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
छत्तीसगढ़ के बस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। भिलाई 3 के SDM 6 बिंदुओं पर अपनी जांच करेंगे। डिस्टिलरी कंपनी के 12 कर्मचारियों की यहां पर मौत हुई थी, जिनमें से 15 लोग अभी भी घायल हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग रोड पर मंगलवार रात को हुए बस हादसे की जाँच शुरू हो चुकी है। कलेक्टर दुर्ग ऋचा प्रकाश चौधरी ने भिलाई 3 SDM महेश सिंह राजपूत को जाँच अधिकारी नियुक्त किया है। महेश 6 बिंदुओं पर अपनी मामले की जाँच प्रस्तुत करेंगे। हादसे में केडिया डिस्टिलरीज के कंपनी के 12 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 10 के हालात बेहद गंभीर हैं। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं बस में तकरीबन 40 लोग सवार थे। हादसा तब हुआ जब कंपनी की बस कर्मचारियों को लेकर फैक्ट्री से रवाना हुई थी और इस दौरान रास्ते में बस तकरीबन 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। CM साय ने कहा कि हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास जो है विधर्मी कर रहे हैं। जसपुर में मधुमक्खियों के हमले में घायलों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और पूर्व विधायक भी इस हमले में जख्मी हो गए हैं। जसपुर के वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांगण में सरहुल सरना पूजा पर्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है सम्मिलित हुए थे। इस दौरान साय ने कहा कि इस पर्व को अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री हूं तो बाला साहब देशपांडे, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, कल्याण आश्रम और शिव पार्वती के आशीर्वाद से हूं। CM ने कहा कि विधर्मी लोग हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐसे भ्रामक चीजों से बचने की आवश्यकता है। विधर्मियों द्वारा चलाए जा रहे षड्यंत्र से बचकर हिंदुओं को संरक्षित करने का कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिन सराई पेड़ के नीचे महादेव पार्वती की पूजा की जाती है और इस दौरान सायदे धरती माता की और महादेव पार्वती से प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की भी कामना।